मैं टप्पू को सिर्फ दो सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि टप्पू आपके सामने कभी झूठ नहीं बोलेगा। मुझे सिर्फ टप्पू को दो सवाल पूछने की इजाजत दीजिए प्लीज। चाचा जी सिर्फ दो सवाल प्लीज। उसे दूध का दूरा पानी का पानी हो जाएगा, मेरी शंका का समाधान हो जाएगा चाचा जी। तमिल लोगों ने सुना लगे छे चाचा जी टप्पू से सवाल पूछने देंगे। हाँ पर भिड़े भाई का डाउट क्लियर होना जरूरी है। अरे पर कोमल भाभी भिड़े भाई कौन से दो सवाल पूछेंगे? वो तो पता नहीं पर लगता है अभी सखाराम का पता चल ही जाएगा। ठीक है पूछ ले कर ले तसल्ली। थैंक यू चाचा जी। अब तो टप्पू को सच बताना ही पड़ेगा, अब कुछ नहीं हो सकता। चाचा जी आप जरा ऐसे खड़े रहना। टप्पू या ऐसे खड़े। जेठालाल तुम जगह पे खड़े रहो। मैं देखता हूँ क्या। नहीं कोई देखने की जरूरत नहीं है, वहां पे खड़े रहो। एक मिनट शांति से वरुण भाई आप तुम्हें तो देखा था ना थे बापू जी आडो छे ना थोड़ा इधर आके दे बस। हाँ टप्पू अब मैं जो भी सवाल पूछूंगा उसका जवाब चाचा जी की आंखों में आंखें डालकर बिल्कुल सच सच देना। हाँ भीड़ अंकल मैं जो भी कहूंगा सच ही। मेरी तरफ देख, चाचा जी को देखो, मेरी तरफ देखने की जरूरत नहीं। मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, पूछिए भीड़ अंकल। सबको लगता है कि कल तुम मैच देखने गए थे लेकिन मैं जानता हूं कि सच कुछ और ही है। तो टिपेंद्र जेठालाल गड़ा अब मुझे ये बताओ कि तुम मेरे सखाराम के बारे में जानते हो? हाँ मैं आपके सखाराम के बारे में जानता हूं। सुना गोकुलाम की जनता ने सुना ना क्या बोला उसने? हाँ सुनो ना, टप्पू मेरे सखाराम के बारे में जानता है। अब दूसरा सवाल ये बताओ कि इस वक्त मेरा सखाराम कहाँ है? मर गए। टप्पू ने सच बोल दिया तो हम सब फंसेंगे, लेकिन अब तो उसको सच बोलना ही पड़ेगा। टप्पू मैंने पूछा मेरा सखाराम इस वक्त कहाँ है? टप्पू मैं जानता हूं कि तुम चाचा जी के सामने झूठ नहीं बोल सकते। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, बता दे मेरा सखाराम इस वक्त कहां है? गैरेज में। गैरेज में। अरे इसने तो बोल दिया मर गए। हो गया सब खत्म। आई जॉनी सुबह से हम सखाराम को ढूंढ रहे हैं और टप्पू को मालूम है कि सखाराम गैरेज में। सखाराम गैरेज में कैसे हो सकता है? नहीं नहीं बबीता जी, टप्पू चाचा जी की आंखों में देखकर कह रहा है कि गैरेज में है तो सखाराम गैरेज में होगा। टिपन छे सुना, सबने सुना नहीं से क्या कहा? इसको पता है मेरा सखाराम गैरेज में। अब ये भी बता दो कि मेरा सखाराम गैरेज में क्यों है? भीड़े तूने सिर्फ दो सवाल पूछने की इजाजत मांगी थी बापूजी से, ये तीसरा सवाल हो रहा है।
नहीं नहीं पापा, बीड़े अंकल को पूछने दीजिए। अरे हाँ गाल करिया था ना, तो शांति हुए ना पापा। पापा चिंता छोड़ियो ना, बीड़े अंकल आप सवाल पूछिए। हाँ तो पूछना रे। तो कसला काई गरज है? गरज नहीं, गैरेज है, गैरेज। सकरम गैरेज पे तू जाके उड़ जा। पता मुझे मेरा सकरम गैरेज में क्यों है? और सच सच बता ना। बीड़े अंकल मैं सच ही कहूंगा, मैं आप ही का तो स्टूडेंट हूँ, जो कुछ भी सीखा है आप ही से सीखा है। वेरी गुड, तो बताओ मेरा सकरम गैरेज में क्यों है? बहुत सिंपल है भीड़ अंकल। देखिए, हो सकता है कि आपका सकरम चोरी हो गया हो, और अगर चोरी हो गया हो तो दो पॉसिबिलिटीज है। जिसने भी सखाराम को चुराया होगा, या तो वो उसके पार्ट्स बेचकर पैसे कमाएगा, या फिर सखाराम का कलर चेंज करके उसे चलाएगा ताकि किसी को पता ना चले। और ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज में आपका सखाराम अभी गैरेज में होगा। इसलिए मैंने कहा कि आपका सखाराम गैरेज में है। टप्पू क्या जवाब दिया है, झूठ भी नहीं बोला और सच भी नहीं बोला। अच्छा बस ये मास्टर हो गई ना तसल्ली, पता चल गया ना कि तेरा सखाराम कहाँ है, तेरा सखाराम चोरी हो गया है। मेरा सखाराम चोरी हो गया, मेरा सकरम चोरी हो गया, मेरा सकरम, सकरम कौन लेके गया मेरे सकरम को, कौन लेके गया? अरे कहाँ गया तू सकरम? भिड़े भाई कौन लेके गया मेरे सकरम को? संभालिए अपने आप को। भिड़े भिड़े अरे सकरम चोरी हो गई, मिल जाएगा भाई मिल जाएगा। कैसे मिला चोरी, किसने चोरी की मेरा सखाराम की? सॉरी भीड़ अंकल, आपको इस हालत में देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, और सबकी वजह मैं हूँ, लेकिन मैं अभी कुछ कर भी नहीं सकता, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। हमने कभी सोचा नहीं था कि सखाराम के साथ ऐसा होगा, सो सैड कि ऐसा हो गया। पर अभी क्या लगता है सखाराम मिलेगा कि नहीं? मेरा सखाराम नहीं मिलेगा, ऐसे मत बोलो रोशन भाभी, मुझे मेरा सकरम चाहिए, मुझे मेरा सकरम वापस चाहिए। मिल जाएगा भाई मिल जाएगा। अरे तू ऐसे बैठ के रोता रहेगा तो थोड़ी सकरम मिल जाएगा। क्या करूं भाई चाचा जी? तू एक काम कर, जा पुलिस स्टेशन जा, कंप्लेंट कर, तेरा सकरम मिल जाएगा। अरे बापूजी आपने क्या बोल दिया, पुलिस स्टेशन का क्यों बोला, अभी हम लोग फिर से फंसेंगे। पुलिस स्टेशन? आदरम चाचा जी इज राइट, हमको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। चलो चलो, चलो, चलो। एक मिनट, मैं क्या कहता हूँ कि पुलिस स्टेशन जाना बहुत भारी कदम है, तो सोच समझ के उठाना पड़ेगा, नहीं बता साहब? हाँ बिल्कुल। अरे भाई हम लोग पहले अपने स्तर पे ढूंढने की कोशिश करते हैं, हम लोग थोड़ी मेहनत करते हैं, और फिर अगर नहीं मिला तो फिर चले जाएंगे पुलिस स्टेशन। बराबर सही बात है, पहले आजू बाजू ढूंढते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, जितना ढूंढना था ढूंढ लिया, जितना पूछना था पूछ लिया, जितना देखना था देख लिया, अभी डायरेक्ट एक्शन पुलिस स्टेशन। हाँ दिल्ली मास्टर सही कह रहे हैं, चलो चलो चलो। हाँ चलो 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 चलो। रोकिए मेहता साहब, इनको रोकिए। पर कैसे? मुझे पता होता तो आपको क्यों बोलता मेहता साहब। अरे सुनिए सुनिए, रुको रुको, मेहता साहब कुछ बोल रहे हैं। क्या हुआ, क्यों रुकना है? देखिए इतने सारे लोग पुलिस स्टेशन में क्या करेंगे, इतने सारे लोगों का काम नहीं है पुलिस स्टेशन में। क्यों भाई, सब जाएंगे तो पुलिस स्टेशन में थोड़ा वजन बढ़ेगा। अरे पोपट लाल, तुम्हारे लिए लड़की देखने थोड़ी जा रहे, कि बड़ी फैमिली को देख के लड़के वालों पे वजन पड़ेगा। सिर्फ कंप्लेन लिखवाना जाना है भाई, उसमें सबको आने की जरूरत नहीं है, मैं और छोटी जाके लिखवा के आते हैं। सही बात। नहीं नहीं मैं तो आऊंगा ही। अरे मैं तो आऊंगा ही क्या, वरघोड़ा थोड़ी निकल रहा है पोपट लाल।
पड़गोड़ा मतलब? वो जान निकलती है ना? जड़ेलाल किसका जान निकल जाए? दूल्हे का। दूल्हे की? जान तो दूल्हे की निकलती है ना भाई। लेकिन क्यों? पोपटलाल जो तुम समझ रहे हो वो वाली जान की बात नहीं कर रहा है जेठालाल। जान मतलब वेडिंग प्रोसेशन बारात है ना जेठालाल। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसे सीधे सीधे बोलो ना भाई। जान बोल के तो तुमने मेरी जान निकाल दी थी। हाँ तो बबीता जी वो जो दूल्हा नहीं घोड़ी पे बैठता है और शादी के लिए जाता है तो सब रिश्तेदार आस पास वो नाचते नाचते जाते है उसको वरगोड़ा बोलते है। वो तो मैं तो सामने वो बारात बोला ना तब समझ गया था जेठालाल। अरे यहाँ पे मेरी जान जा रही है जेठालाल तुम्हें उस जान की पड़ी है। नहीं नहीं वो तो मैं बबीता जी को खाली समझा रहा था। उन्होंने पूछा ना वरघोड़ा मतलब तो वो समझा रहा था वरघोड़ा मतलब क्या है। चल छोटी चल। हाँ चलो जेठालाल। हाँ चलो चलो चलो। अरे 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 भिड़े भिड़े तू माता क्यों? अरे भाई तू सुबह उठा तब से धूप में भागा दौड़ी कर रहे है थक गया होगा जरा आराम कर ले वरना बीमार पड़ जाएगा। नहीं आते भाई? सही बात है। बड़े मास्टर जरा मुंह खोलना। हाँ नहीं आ आ जीभ दिखाना ऐसे ऐ अरे बाप रे तो बहुत अंदर हिट जमा हो गई है। बाप रे जीभ खुली तुम्हारा सर खुला बाहर जाओगे तो सनस्ट्रोक हो सकता है भाई। ओ भिड़े नहीं 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 मत मत आ भाई मत आ तू यहाँ रह के आराम कर भाई सोसाइटी को तेरी जरूरत है। हाँ भिड़े सबसे पहले शरीर यार तुम यही रुको थोड़ी तुम और जेठालाल जाओ। हाँ मैं भिड़े तू चिंता मत कर मैं भी जाता हूँ। अरे भाई तुमको क्यों आना है पोपटलाल? अरे भाई सखाराम चोरी हुआ है मैं पत्रकार हूँ मेरा आना जरूरी है। पप्पू तू नहीं आएगा तो भी चलेगा? मेरे आने से कोई परेशानी है? हमको क्या परेशानी हो सकती है छोटी? नहीं मतलब परेशानी तुमको होगी पोपटलाल। कल पूरी रात तुम काम कर रहे थे सोए नहीं हो है? तो अभी घर जाके आराम करो सो जाओ शांति से क्या है वरना तुम्हारी भी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं आती भाई? सही बात है पोपटलाल यहाँ आना जीभ दिखाना। नहीं आती भाई सब के। और जेठालाल मेरी चिंता करने के लिए थैंक यू लेकिन इस वक्त क्या है ना मेरे आराम से ज्यादा जरूरी सखाराम का मिलना है। तो तुम्हारे आने से सखाराम मिल जाएगा? क्या है ना मैं पत्रकार हूँ कंप्लेन करते वक्त मैं रहूंगा तो वजन पड़ेगा। नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता है पोपटलाल। मुंबई पुलिस बहुत बेचारे निष्ठा से काम करती है वो लोग भेदभाव नहीं रखते कि पत्रकार है तो उनको जरा ज्यादा भाव दो आम आदमी है तो उनको थोड़ा कम भाव दो ऐसा नहीं होता है। अरे जेठालाल तुम क्या चर्चा कर रहे हो कब से जाओ ना जल्दी। चलो 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 भाई चलो 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 चल चल छोटी चलो जाओ। अच्छा जेठालाल मैं तुम्हें सकराम की डिटेल्स फोन पे फॉरवर्ड करता हूँ। पर हाँ वो कंप्लेंट की कॉपी लाना मत भूलना। तुम टेंशन मत लो मैं जा रहा हूँ साथ में। चलो 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 भाई चलो जल्दी चलो। गणपति बाप्पा मेरे सकराम को मुझसे जल्दी मिला देना। डॉक्टर आती एक काम कीजिए आप भिड़े और बाकी सब लोगों को समझा के मेरे घर ले जाइए मैं टप्पू चनों को यहाँ से भेजता हूँ क्योंकि टप्पू अगर भिड़े की आंखों के आगे रहा तो भिड़े को बहुत गुस्सा आएगा। सही बात है। मैं क्या कहता हूँ भिड़े मास्टर कि वो लोग गए हैं कंप्लेन करने टाइम तो लगेगा लौटने में और धूप बहुत तेज है सनस्ट्रोक हो सकता है तुम्हें तो मेहता साहब के यहाँ चल के बैठते हैं सभी लोग। मेहता साहब आपके यहाँ बैठे? अरे पूछने की बात है क्या? हाँ जरूर जरूर चलो ना वहीं बैठते हैं इंतजार वहीं करते हैं। आइए चाचा जी आइए आराम से बैठिए। चलो टप्पू टप्पू गोली गोगी बच्चों आप लोग ये काम करो आप लोग जल्दी से घर जाओ क्योंकि भिड़े की नजरों के सामने रहे तो और टेंशन बढ़ जाएगा।
ठीक है अंकल। मेहता अंकल, हमें बहुत बुरा लग रहा है। हम लोगों की वजह से आप लोगों को कितना टेंशन हो गया, पापा और आप सबको कितनी भाग दौड़ करनी पड़ रही है। हाँ बेटा, भागा दौड़ी करनी तो पड़ ही रही है, लेकिन अब क्या करें, ये जो रायता फैल गया है इसे समेटना तो पड़ेगा ना। जाओ तुम लोग। मेहता अंकल, कोई भी बात के लिए टप्पू सेना की मदद की जरूरत हो तो हमें बता देना। छोटे सोड़ी, फिलहाल तो आप लोग भिड़े की नजरों के सामने न आए, ये सबसे बड़ी मदद होगी। हाँ, और कोई जरूरत होगी तो मैं बता दूंगा, आप जाइए प्लीज। ओके, ठीक है ठीक है, चलो चलो चलो। मैं तंगल, एक मिनट। क्या हुआ? आपको क्या लगता है कि स्कूटर तो हमें पता है कि गैरेज में, तो फिर पापा सोडी अंकल और पोपट अंकल सच में पुलिस स्टेशन जाएंगे? कैसी बातें कर रहे हो टप्पू, पुलिस स्टेशन कैसे जा सकते हैं वो? ना ये है कि जेठालाल क्या बहाना बनाता है, क्या आइडिया लेके आता है वो। हाँ, लेकिन पोपट अंकल भी साथ में गए ना, इसलिए ज्यादा टेंशन हो रहा है। तू और तेरे पापा दोनों ने सोसाइटी सर पे उठा रखी है। खैर तू चिंता मत कर, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा। अभी तुम जाओ जल्दी। हाँ हाँ, ठीक ठीक है। पता नहीं जेठालाल सोडी इस पोपटलाल को कैसे संभालेंगे। ये पोपटलाल तो गुंदर की तरह साथ में चिपक गया है, इसका कुछ करना पड़ेगा। मुझे पहले पिड़ू और अय्यर प्रा को संभाला, अब ये पोपू आकर बह गया। पता नहीं आज तक दिन के भी जा रहे। क्या करूं, इसको जो सच है वो बता दूं? अरे नहीं नहीं, ये तो वाईडी नंबर वन है, अभी कभी चालू जीप में से भिड़े को फोन करके सब बता देगा। देखा, मैं जो सोच रहा हूँ तुम भी वही सोच रहे हो। तू क्या सोच रहा है? हाँ, की करना है फिर? कुछ तो करना पड़ेगा। किस बारे में? पुलिस कंप्लेंट के बारे में। अरे भाई, पुलिस कंप्लेंट के बारे में सोचना क्या है, पुलिस स्टेशन जाएंगे और कंप्लेंट लिखवाएंगे। नहीं, वो तो बराबर है पोपटलाल, लेकिन मैं ये कह रहा था कि पता नहीं, मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि पुलिस कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं है, सखरम बहुत जल्दी मिल जाएगा। हाँ जी डबरा, मैंने भी ऐसे लग रहा है ना। हाँ। भाई आप लोगों के लगने के चक्कर में वो चोर भिड़े के स्कूटर को लेके 9-2-11 हो जाएगा। जितना लेट करेंगे पुलिस कंप्लेंट करने में, उतना स्कूटर मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे। सॉरी, चल 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 भाई, तू पुलिस स्टेशन ही लेके चल। डबरा ठीक है ना, पुलिस स्टेशन ले ला। अरे नहीं नहीं। अरे क्या नहीं नहीं, और क्यों नहीं नहीं, मतलब नहीं नहीं मतलब आप अभी नहीं जाते हैं, पहले जरा रास्ते में एक कप चाय पी के जाते हैं। छोटी आगे लेफ्ट में चाय की डबरी आएगी, वहां जरा रोक लेना। हाँ जी डबरा। अरे भाई, पुलिस कंप्लेंट करने के बाद चाय पी लेना। मुझे अभी चाय पीनी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम है? जेठालाल, कंप्लेन करना इंपॉर्टेंट है कि चाय पीना? चाय पीना तो थोड़ा जल्दी करना। अरे 2 मिनट लगेंगे पोपटलाल, चाय पीने में कितना टाइम लगेगा। हाँ छोटी, तू पहले चाय की डबरी पे ले लेना। हाँ जी डबरा। क्या कहता हूँ, पोपटलाल को अभी हमें सब कुछ बता देना पड़ेगा। हाँ जेठाप्रा, मैंने भी यही लगता है ना। हाँ जा बता दे। जेठाप्रा तुसी दसो ना। छोटे तू बता, तू अच्छा बता दे। अच्छा जेठाप्रा तुसी दसो ना, आप मेरे से भी अच्छा दसोगे? सच कह रहा हूँ। छोटी क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? अरे कुछ नहीं, अच्छा वो आ गया, बैठ 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 बैठ। हाँ चाय पी। अरे तीन कटिंग देना। अरे भाई मुझे चाय नहीं पीनी है। अरे पोपटलाल, यहाँ बहुत मस्त चाय मिलती है, यहाँ की चाय पीने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। नहीं छोटी? हाँ जी डबरा। हाँ थोड़ी थोड़ी पीना, मजा आएगा थोड़ी पीना। जेठालाल सोड़ी, तो मेरा पत्रकार दिमाग कह रहा है कि तुम दोनों के बीच कड़क मसालेदार चाय जैसी कोई बात उबल रही है। क्या बात है बताओ? छोटे पोपटलाल यहाँ तक आ ही गया है तो मुझे लगता है उसे बता देते हैं। हाँ जेठाप्रा, मैंने भी लगता है इसके सिवा कोई रास्ता ही नहीं है। क्या बताना पड़ेगा? वही जो सच है। हाँ। क्या सच है? चखाराम का सच।
सखाराम का सच मतलब मतलब हमको पता है सखाराम कहाँ है। मतलब सखाराम चोरी नहीं हुआ? नहीं। मतलब तुम लोग भिड़े के साथ मजाक कर रहे हो? सखाराम को आप लोगों ने छुपाया? अरे नहीं। अरे तो सखाराम है कहाँ? छोटी बता दे। जीरा ब्रा तुसी दसो ना। अरे बता ना जोड़ी, इससे इतना डर क्या रहा है? अरे इससे डरता कौन है? ये जोड़ी की है? नहीं कुछ नहीं, बैठ बैठ जोड़ी। तू बता। नहीं नहीं जैसा आप बताओ जोड़ी, तू बता, आप बताओ, तू बता, आप बताओ, तू बता, आप बताओ। इसी चक्कर में फंसे हुए हैं जेठालाल सोढ़ी, और बताना किसको है? पोपटलाल को, जो खुद एक जीवित बम है। भाई जेठालाल सोढ़ी की लड़ाई इस वक्त दो मोर्चों पे है, एक तो पोपटलाल को संभालना है और दूसरा पुलिस स्टेशन नहीं जाना है। कैसे करेंगे? अगर पुलिस स्टेशन नहीं गए तो क्या होगा? क्योंकि गोकुलधाम सोसाइटी में जाते ही भिड़े पूछेगा कि कंप्लेंट का क्या हुआ और कंप्लेंट की कॉपी कहाँ है। अगर पोपटलाल को बता दिया तो फिर पोपटलाल तो भिड़े को बता ही देगा, और उसके बाद बम फटेगा, यानी स्थिति बड़ी ही विस्फोटक है। और सबसे बड़ी बात कि इस वक्त तो मैं भी अपने परम मित्र जेठालाल की मदद के लिए वहां नहीं हूं, उनके फायर ब्रिगेड वहां पर नहीं है। लेकिन मुझे लगता है चाय की इस टपरी पे चाय पीते हुए कोई ना कोई आइडिया जेठालाल के दिमाग में जरूर आएगा। चाय उनके दिमाग को ठंडा करेगी, लेकिन आइडिया क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मित्रों आपने कभी गरम गरम पकौड़ा खाया? एकदम गरम पकौड़ा। भाई जिस वक्त गरम पकौड़ा एकदम गरम हो ना, उस वक्त आपकी स्थिति बड़ी देखने वाले की होती है। ना उगलते बनता है ना निगलते बनता है। यही स्थिति इस वक्त जेठालाल की है कि क्या करे, बताए कि ना बताए, ना बताए तो क्या करे, पुलिस स्टेशन ना जाए तो भिड़े के सामने क्या बहाना बनाए, क्या आइडिया होगा। तमाम चीजें हैं, लेकिन हर चीज ठाकुर के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.